तो दोस्तों ये है यहाँ का रामलीला ग्राउंड जो कि अपर मार्केट में पड़ता है और यहाँ आजकल चल रहे हैं ग्रीष्मोत्सव। तो ये देखो दोस्तों, सुबह जो मैंने आपको काफल दिखाए थे ना, यहाँ बहुत सारे काफल के पेड़ हैं। हाय हाय क्या नज़ारा है। और ये दिख रहा है सनसेट पॉइंट, यहाँ से सनसेट होता हो बहुत खूबसूरत लगता है। चल रही है, भालू भी होते हैं यहाँ। हाँ, नाक खा जाते हैं वो। ये बुई स्लैप निवनी एक बुई निवनी आवाज उसी की आती है जो दो बैग लगा आता है। मधु सूर्य कालिया की तेरी घूमे जाने तो इवनिंग के 5 बज गए दोस्तों और यहाँ टाइम का बिल्कुल भी मतलब ऐसे बीत रहा टाइम आलस आलस में। दिन में हम खाना वाना खा के सो गए और आपने मेरा होम टूर तो ले ही लिया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा होम टूर कैसा लगा। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ घूमने, मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है और फिर हम जाएंगे कहीं घूमने, तो आपको भी ले चलती साथ में, दिखाती हूँ नई नई जगह। और रियो मेरे पीछे पड़ा है तो रियो को मेरे को अपने साथ ले जाना पड़ रहा है, तो घूमने वाले हम स्कूटी में, तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो जी हम पहुंच गए हैं पुलिस लाइन। ये है पुलिस लाइन का ग्राउंड, ये देखो। यहाँ पुलिस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पुलिस लाइन है, पुलिस क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे सारे पुलिस वाले रहते हैं। और ये ग्राउंड है उनका वॉलीबॉल का। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे लेने आई है, उधर है, मैं अभी आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलवाती हूँ। और तो ये रही मेरी दोस्त रश्मि। हेलो मोटी, प्यार से हम सब मोटी बोलते हैं और ये बिल्कुल बुरा नहीं मानती। क्यों मोटी? और ये पेशे से वकील साहिबा है। हेलो तो कर दे क्योंकि मैं मोटी। और रश्मि हमें पता नहीं कहाँ घुमाने वाली है। तू गिराएगी तो नहीं ना? चल घुस जा। तो चलो आज स्कूटी की सैर करते हैं, देखना कैसे कूद के बैठा बंदर। तो आगे हो ना बेटा। मौसी पापा की परी है। पापा की परी मत बनना यार तू। तो ये है पौड़ी का अपर बाजार, मैं आपको स्कूटी से यहाँ के दर्शन करा देती हूँ। ये देखो अगल बगल शॉप्स हैं। तो आज रियो ने पकड़ लिया मौसी की पूंछ और मौसी खिला रही है उसको टिक्की। तो दोस्तों ये है यहाँ का रामलीला ग्राउंड जो कि अपर मार्केट में पड़ता है और यहाँ आजकल चल रहे हैं ग्रीष्मोत्सव जैसे कि मैंने बताया था। और आज शाम को यहाँ होने वाले प्रोग्राम, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ यहाँ और आपको यहाँ के प्रोग्राम दिखाऊँ। बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। ये देखिए ये बनी है राम जी की मूर्ति, तो काफ़ी बड़ा स्टेज है। तो शाम को यहाँ आने का प्रोग्राम है, देखते हैं। तू आएगी शाम को 8 बजे? ये है मेरी दोस्त, सच्ची पक्की दोस्त, स्कूल की दोस्त, कॉलेज की दोस्त। ओ भाई कैरी मिनाटी। और रियो ने एक चश्मा भी लूट लिया मौसी से। तो सालो मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं भी लाती अपना चश्मा घर से? तो तुमको सब बता दे, हम दोनों मारेंगे स्टाइल। गेड़ी मारोगे? ये देखो दो टिक्की बाज। तो आज हम स्कूटी में गेड़ी मार रहे हैं अपनी दोस्त के साथ। अभी ये मेरे पापा का ऑफिस था पहले, यहाँ मेरे पापा काम किया करते थे। रश्मि लाई थी हमें लॉन्ग राइड पे और यहाँ से पौड़ी बिल्कुल गिरी है, काफी दूर आ गए दोस्तों, काफी दूर आ गए घूमते घूमते राइड लेते लेते। और मैं यहाँ से दिखाऊंगी आपको पौड़ी का सुंदर सा व्यू। ये देखो यहाँ से दिख रहा है पौड़ी। तो पौड़ी से हम इतनी दूर है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, पर अभी धुंध है इतना क्लियर नहीं है इसलिए। पर मज़ा आ गया आज, मतलब लॉन्ग राइड पे, मतलब ना पुराना टाइम याद आ गया, कॉलेज वॉलेज स्कूल का ऐसे घूमा करते थे हम। तो रियो मज़ा आ रहा है और रियो भी हमारे साथ मज़े कर रहा है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर वाले रास्ते, मतलब कंडोलिया वाले रास्ते। कोई बात नहीं बेटा, केक इसे गोबर केक कटते रहते हैं यहाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखो रियो को, ये देख
देखो दोस्तों, सुबह जो मैंने आपको काफल दिखाए थे ना, यहाँ बहुत सारे काफल के पेड़ है। एक पेड़ तो यही रहा, बट इसमें अभी काफल नहीं है। और देखो कितना घना जंगल है यहाँ, बहुत ही घना। ये ना रश्मि हमेशा उल्टे काम करवाती है, खुद के उल्टे काम रहते हैं, बच्चों से भी करवाती है। देखो मैं काफल का पेड़ दिखाने के लिए चढ़ी, ये फिसलेगा ना मुंह के बल। मैं आपको दिखाती हूँ काफल, ये देखो इसमें छोटे छोटे काफल लग रहे हैं, और लोग बहुत दूर दूर से काफल लेने आते हैं। ये देखो बेटा, वहाँ बाघ होता ना, तो बेटा नीचे नजर आता। ये रहा काफल, वाह आज पहली बार रश्मि पेड़ से थोड़ा काफल, सच में मजा आ गया। पहली बार, इससे पहले कहाँ से तोड़ते थे काफल? मतलब मैंने पेड़ से नहीं तोड़ा कभी, मैंने पेड़ से बहुत टाइम बाद तोड़ा है काफल। अभी इसमें हरे हरे हो रहे हैं, मीठा है ना, अच्छा हो रहा है। ले एक दाना, एक दाना तू भी खा, प्रसाद कन्होड़ू। बस इतना ही है उसमें, बाकी सारे हरे हैं। तू कहाँ पे? इसी वाले को खींच, जो तू वाले को खींच दे, इस वाले को। ये अगर ऊपर देखो कितना घना जंगल है, ऊपर से भागते हुए बाघ आ गया। नहीं भालू ही आ गया, तो तुम क्या करोगे? ये भालू भी तो होंदन चल रही है, भालू भी होते हैं यहाँ। हाँ नाक खा जाते हैं वो। ये बुई तो बढ़ते हैं आगे, थोड़े से काफल खा के मजा आ गया। तो जी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, और ये स्पेशली बनाए फोटो खिंचाने के लिए, क्यों तो हम यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन करते हैं। और ये है फ्रेम, इस फ्रेम के पीछे खिंचाएंगे फोटो, जाओ। हाय हाय क्या नजारा है, और ये दिख रहा है सनसेट पॉइंट, यहाँ से सनसेट होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं सनसेट देखने। तो जी ये पहुंच गए हम कंडोलिया में फिर से, और यहाँ हम खाएंगे पॉपकॉर्न जी। हमने ले लिया पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न, और रियो अपनी बुआ को पकड़ के बैठ गया, उसकी बुआ आई थी, वॉक करने जा रही हैं आजकल, क्योंकि बुआ भी पौड़ी आ रखी है, तो आज बुआ को पकड़ते हैं रंगे हाथ। ये देखो ये है रियो की बुआ जो वॉक करके आ रही है, और यहाँ पे स्प्रिंग रोल खा रही है। नानू हेलो नानू, तो जिया जी देखेंगे, आपको तो मार पड़नी चाहिए। रुको मैं तो जानबूझ के बना रही हूँ ताकि जिया जी देखे, मतलब जिया जी से बोल के आ रही मैं वॉक करने जा रही हूँ, और यहाँ पे स्प्रिंग रोल खा रही है। बता पाएगा जाते हुए, देखते हुए आ रही कितनी कैलोरी बर्न हुई, अभी जब खा के देखना कितनी वापस आई। जिया जी तो देखेंगे, मैं तो स्पेशली जिया जी को शेयर करूंगी, ये तो मैं व्लॉग बनाने से पहले ही शेयर कर दूंगी, मजा आएगा ना, मजा आएगा आपके लिए, और साथ में दो चार भड़काऊ शब्दों के साथ भड़काती रहती हूं। ये भी कम थोड़ी है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है। तो दोस्तों पहुंच गई हूं मैं घर, और मजा आया, खूब घूमे हम लोग, और ये 8 बज गए हैं, और अभी हमारा प्रोग्राम है कहाँ जाने का, ग्रीष्मोत्सव देखने, क्योंकि यहाँ ग्रीष्मोत्सव चल रहे हैं, तो एक दिन तो जाना बनता है। और वो देखो सामने जंगल में आग भी लगी हुई है, वो देखो सामने के जंगल में आग लगी हुई है, ये देखो। और हमारे घर से ये है व्यू पूरा खूबसूरत, जंगल में भी आग लग रही है पापा, वो देखो वहाँ भी आग लगी हुई है, और ये है इधर से नज़ारा। पहाड़ों में लाइट ऐसी लग रही है जैसे तारे गिरे हुए नीचे। तो बज गए हैं 9, और अब हम जा रहे हैं प्रोग्राम देखे ग्रीष्मोत्सव। चलो मम्मी, और पापा यहीं आराम करेंगे, पापा ने खाना वाना खा लिया है, माइलो भी यहाँ आराम करेगा, और रियो हमारे साथ जा रहे हैं जी। पहुंच गए हम रामलीला ग्राउंड, और यहाँ प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, और काफी जगह है, हम सोचे नीचे जाके बैठे। ये खूब जवाब देते हैं, हम सवाल की ओर चलते हैं, आइए एक नए बवाल की ओर चलते हैं। मंच पर इंदर आर्या जी आए, जोरदार तालियों के साथ नैनीताल की ओर चलते हैं, जोरदार तालियां इंदर आर्या जी के लिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम, और मैं पहली बार यहाँ पे आ रखा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है मैं अभी अल्मोड़े में हूँ जैसे।
आप लोगों ने सुना होगा, बोल ही ना बोल, हाथ खड़ा करो तो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत करने वाले तू मोहब्बत करना उतनी तेरे अरमान हो जितने, मोहब्बत करने वाले तू मोहब्बत करना उतनी तेरे अरमान हो जितने, उससे पहले ये पता कर लेना लड़की के घर में पहलवान है। तो आपके सामने एक नेपाली की प्रेम कथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बार। अरे फैसी लड़ी हाय माया, हाय माया, हाय माया, हरिका को कोट में। अरे फैसी लड़ी हाय माया, हरिका को कोट में। साढ़े बारह और अब जाके हम घर पहुंचे प्रोग्राम देख के, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। आइए, हमारा माइलो यहाँ बना पड़ा है और रियो को भी भूख लग गई और नींद भी आ रही है, तो अब हम करेंगे सोने की तैयारी। इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।